उत्तराखंड का लास्ट गांव है, क्या नाम है, माना गांव। आप लोगों में कई लोग बद्रीनाथ गए तो आपने देखा सीमांत माना गांव इसको बोलते, यहीं से पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। ये जगह है, यहीं पर व्यास गुफा है, यहीं श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या हो गया, सत्रह पुराण के रचयिता इतने बड़े ज्ञानी ऐसे रो रहे हो, क्या हो गया। अरे व्यास जी बोले आप बात मत करो, मैं बहुत अभागा आदमी हूं। क्यों क्यों क्या हुआ, मेरा 16 वर्ष का जवान बालक जंगल की तरफ चला गया, एक बार मुझे मुड़कर नहीं देखा, मैं बहुत अभागा आदमी हूं। अरे नारद जी बोले क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा जंगल चला गया ऐसे रो रहे, अरे हमसे पूछ रहे, हमारी माई मर गई हम नहीं रोए। अरे गजब करते हैं, अब माई मर गई का मर गई और तुम नहीं रोए का नहीं रोए, तो काहे नहीं रोए। बोले उसकी भी बात सुन लो, मेरी जो मां थी पूर्व जन्म में तो वो ब्राह्मणी थी और मैं उसका अकेला बेटा था, तो मेरे से बड़ा प्यार दुलार करती थी, लेकिन घर में पैसे थे नहीं तो दूसरे के घर में नौकरी करनी पड़ी। अब माई तो झाड़ू बर्तन करती है और मैं जो अतिथि आते हैं उनकी स्वागत सेवा में लगा रहता हूं। उस घर में साधु पधारे तो मैं सेवा किया, तो साधुओं से मैंने कहा बाबा क्या मेरे जीवन में कोई आनंद होगा कि नहीं होगा, मैं यही करूंगा दूसरे की चाकरी। साधुओं ने कहा देखो संसार में सुख की कामना मत करो, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास लो साधु बाबा हो जाओ। मैंने अपनी माई के कान में बोला कि मैं तो साधु बाबा बनूंगा, माई बोली चुप, एक बेटा कोई मेरा सहारा है क्या, तुझे मैं साधु बाबा बनने दूंगा, मैं नहीं बनने दू। तो जब मेरी माई ने मना किया तो मैं भगवान से मन ही मन कहने लगा कि भगवान ये माई को अपने यहां बुलाओ, नहीं तो हमें ये साधु नहीं बनने देगी। और एक दिन ऐसी भगवान की माया, एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निर्गताम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदिता, एक काले सांप ने रात में मेरी माँ को खा लिया और माई रात में मर गई, और सवेरे सूचना मिली तो तुम रोए नहीं का नहीं रोए, तो क्यों नहीं रोए, बोले सुन लीजिए, कैसा रोना ये क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है, क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। कोई मेरी माई मर गई है, क्या दुनिया में और कोई बना रहेगा, बैठी है दुनिया कमर कसे चलने ही की तैयारी है, और चल देता है वो बिना कहे जिस दिन भी जिसकी वारी है। यहां कौन रहने रुकने के लिए आता है, ये तो संसार का नियम है,